धमधा निवासी एवं पंडित ने धमधा में बनाया ज्योति कलश से एक विशाल मंदिर। दुर्ग की एक जगह धमधा जहां एक विशाल काय ज्योति कलश द्वारा निर्मित एक मंदिर जिसको एक पुजारी ने स्वयं की मेहनत से बनाया। जब ये मंदिर का निर्माण पंडित जी ने करने का निर्णय लिया तब धमधा वासियों ने इसका विरोध किया कि ज्योति कलश द्वारा निर्मित आना नहीं होने देंगे। ये वो ज्योति कलश है जो नवरात्रि में माता के दरबार में ज्योति कलश रखा जाता है और नवमी में विसर्जन किया जाता है। पंडित ने ये संकल्प लिया कि मैं एक ज्योति कलश मंदिर का निर्माण करूंगा, मगर कई अड़चन सामने आए। पहला, जो पंडित जी या कहूँ महाराज जो कि वो हिंदू देवी देवता की पूजा करते हैं और मुसलमानों के भी मजारों में भी सेवा करते हैं, मगर उन्होंने सोचा कि ज्योति कलश से मैं 100 फुट का विशाल काय मंदिर निर्माण करूंगा जो उन्होंने तैयार किया। अभी 40 फुट का कार्य संपन्न हुआ है और 60 फुट का कार्य पूरा होना बाकी है जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये ज्योति कलश मंदिर छत्तीसगढ़ का पहला ज्योति कलश मंदिर है। अब देखना यह कि ये जो महाराज है जो स्वयं इस मंदिर का निर्माण कार्य चालू किए है वो कितने दिनों में संपन्न होगा। CNI न्यूज दुर्ग से आशुतोष बंछोर की रिपोर्ट। जगदलपुर दूध मुहे बच्चे को अगवा होने से लोगों में दहशत का माहौल। जगदलपुर लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के बहारगुड़ा पारा में 4 माह के दूध मुहे बच्चे को अगवा करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे को अगवा कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस क्षेत्र में नाकाबंदी कर आरोपी और बच्चे की तलाश कर रही है। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मामले की जानकारी देते लोहंडीगुड़ा SDOP राकेश कुमार ने बताया कि पारा में शनिवार को दोपहर तकरीबन 2 बजे जब बच्चे की मां लक्ष्मी अपने बच्चे के साथ सोई हुई थी और उसका दादा खेत में गए हुए थे, उस वक्त किसी अनजान व्यक्ति द्वार घर में घुसकर सोए हुए 4 माह के दूध मुंह में बच्चे सुजीत को अगवा कर लिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। आसपास के लोगों ने दोपहर तकरीबन 3 बजे 112 को फोन किया, जिसके बाद मामला पंजीबद्ध कर पुलिस तलाश में जुटी। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। CNI न्यूज जगदलपुर से वासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। कबीरधाम जिले में वन्य प्राणी के शिकार का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शिकारियों ने कर्ट लगाकर 2 मवेशी सहित तेंदुए का शिकार किया था। इस घटनाक्रम को बीते अभी कुछ माह नहीं हुए कि फिर से तेंदुए का शिकार कर शिकारी उसकी खाल को बेचने ग्राहक की तलाश कर रहे थे। कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्रों में कई प्रकार के वन्य जीव निवास करते हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर विभाग द्वारा एक बड़ी रकम भी खर्च की जाती है। इसके साथ ही जिन स्थानों पर ज्यादातर वन्य प्राणियों की चहलकदमी बनी रहती है उन स्थानों का चयन कर ट्रैप कैमरा भी लगाया जाता है। CNI न्यूज रायपुर से आकाश भंसाली जैन की रिपोर्ट। रायपुर दहलीज में बारात आने से पहले जब दुल्हन प्रेमी के साथ बिना फेरे लिए फरार हो गई तो दुल्हन की छोटी बहन को ही हल्दी लगाकर उसे मंडप में बिठाने की तैयारी हो गई। समय पर महिला एवं बाल विकास को सूचना मिल जाने पर नाबालिग को फेरे लेने से पहले ही रोक दिया गया। इस मामले की दिलचस्प कहानी यह है कि दोनों लड़कियों सहित लड़का भी नाबालिग है। मोती सागर पारा स्थित इस घर में शहनाई बजने वाली थी। यहां रहने वाले एक शख्स की पुत्री की शादी के लिए जब मंडप सजाया गया वह मंडप की रात ही अपने प्रेमी संग फरार हो गई। इस आपदा से निपटने के लिए शख्स अपनी नाबालिग पुत्री को दुल्हन बनाने के लिए तैयार हो गया। जिसकी शादी होनी थी वह 16 साल की थी और उसकी छोटी बहन 15 साल की है। ऐसे में विवाह वैधानिक नहीं था। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वह महिला एवं बाल विकास अधिकारी की टीम के साथ मौके पर पहुंची और समझाइश देते विवाह रुकवाया गया। CNI न्यूज रायपुर से आकाश भंसाली जैन की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।